हेलो बच्चों, आज अपन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सी एस और EL 204 205 के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव MCQ करेंगे आज हम, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। अर्धचालकों में बंद होते हैं, मतलब बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है? तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सा बॉन्ड होता है सेमीकंडक्टर में, कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है सेमीकंडक्टर में? कोवलेंट बॉन्ड होता है। हम इसके बाद बात कर लेते हैं ताप वृद्धि से अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है या घटती है। देखो तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रो इक्वल टू एन क्यों और म्यू। जहाँ पे देखो मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर की। कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होती है? नंबर एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया की, चार्ज, और म्यू क्या है? मोबाइलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर में। देखो कंडक्टर में बेटा क्या होगा, अगर कंडक्टर में हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मोबाइलिटी रिड्यूस हो जाएगी। मोबाइलिटी का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कितने ईजिली मूव कर सकते हैं किसी में, अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे और मोबाइलिटी कम हो जाएगी। अगर बेटा मोबाइलिटी कम हो गई तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम हो गई तो बेटा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होगी इसमें। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? कंडक्टर की। अब हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर की। हमें सेमी कंडक्टर के लिए पूछा गया है। तो सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो गया, एन क्यों और म्यू। तो यहाँ पर क्या है बेटा, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाएगी जिसके कारण इकाई एरिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। अगर कहीं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया बढ़ गए तो क्या होगा बेटा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इंसुलेटर में भी सेम ऐसे ही बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ताप वृद्धि के साथ चालकों की चालकता बढ़ जाएगी। इसके आगे हम बात कर लेते हैं। हाँ, ये बात कर रहा है नेज अर्धचालक, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है ये। इंट्रेंसिक में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे। क्या होगा इसमें, 1:1 इलेक्ट्रॉन और होल, बिल्कुल सही है। इसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वे पदार्थ जिनके सहयोजी बैंड चालन बैंड अतिव्यापन की स्थिति में होते हैं। देखो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्टर की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्टर की। तो देखो बेटा कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, ईजी और वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। यहाँ पे ओवरलैप होते हैं कंडक्टर में, ओवरलैप। तो यहाँ पे क्या होता है, ईजी जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, इनके सहयोजी बैंड, ये बोल रहा है कि जिनके सहयोजी बैंड कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड क्या होना चाहिए बेटा, ये क्या बोल रहा है कि जिनके वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ ओवरलैप किस में होते हैं, चालक में। अब इसके बाद हम सेमीकंडक्टर का भी देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इंसुलेटर में इज इक्वल टू वैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड के एनर्जी बैंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट बात कर रहा है बेटा ये पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि क्यों उपयोग करते हैं, मतलब पी प्रकार का जो भी हमारा सेमीकंडक्टर में कौन सी डोपिंग मिलाते हैं, पेंटावेलेंट मिलाते हैं बेटा। पेंटावेलेंट का मतलब जिसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से होते हैं, नाना पाटीकर असरानी सब बीमार। ये याद करने की ट्रिक है, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। तो देखो इनमें से कौन सा है, बेटा थोड़ा सा गलती हो गई है। यहाँ पे क्या है, पी प्रकार के में कौन से यूज़ करते हैं हम, ट्राइवेलेंट यूज़ करते हैं, वो एन प्रकार के में यूज़ करते हैं पेंटावेलेंट। देखो ट्राइवेलेंट में कौन सा है, बेल गाड़ी इन तलवंडी ये यूज़ करते हैं, जिनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉनों पी प्रकार के लिए डोपिंग कौन सी यूज़ करेंगे, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब जिसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉनों, वो कौन कौन सी होती है, बेल बेल गाड़ी
इनको याद करने की ट्रिक है, बैलगाड़ी इन तलवंडी। आप याद कर सकते हो, और भी तरीके हैं इसके बहुत सारे। तो कौन सा हो गया इसमें, बोरोन हो गया। देखो यहाँ पे ये रहा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूलियम, ये पांच आते हैं इसमें। पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में कौन सी मिलाएंगे पी प्रकार के बनाने के लिए, बेटा मैंने बताया था ना अभी आपको, कौन सी मिलाएंगे, ट्राइवेलेंट। वही इसके बाद हम बात कर लेते हैं। अब देखो इसी प्रकार में तीन पी का तो बता ही दिया, मैं एन का भी बता देता हूँ आपको साथ के साथ, ताकि एग्जाम में आ जाएगा आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो एन प्रकार में कौन सी डोपिंग मिलाएंगे, एन प्रकार में मिलाएंगे हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर में कौन सी मिलाएंगे बेटा, देखो एक मिनट, एन टाइप के सेमीकंडक्टर में कौन सी मिलाएंगे डोपिंग, पेंटावेलेंट मिलाएंगे। और पेंटावेलेंट कौन सी होती है, नाना पाटीकर असरानी सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। याद करने का तरीका है नाना पाटीकर असरानी सब बीमार। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी। अब आप देखो, आप एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए सूत्र का उपयोग करते हैं, एन प्रकार के लिए पेंटावेलेंट, और पेंटावेलेंट कौन से होते हैं, नाना पाटीकर असरानी सब बीमार। कौन सा हो गया, आर्सेनिक हो गया। हाँ देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखो मैंने बताया था ना, एनर्जी बैंड गैप कितना होता है अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कंडक्टर में 0, और इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है।